श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दृष्टि परिवर्तन, एक कोई भी फैन कट कट कर रहा है, उसको बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। तो भगवान ने हम सबको आंखें दी है तो दिखेगा ही, आप चाहो ना चाहो, आंखें खोलो तो दिखेगा। हमको भगवान ने कान दिए हैं, आप चाहे जानो न जानो सुनेगा ही। तो जहां तक के हमारे ज्ञान के उपकरण है ज्ञानेंद्रिय, उसी प्रकार से हमारा मन ये भी सुख दुख की अनुभूतियां करेगा। तो इसमें विशेषता क्या है? सभी देखते हैं, सभी सुनते हैं, सभी बोलते हैं, सभी विचार करते हैं, तो परिवर्तन लाना माने क्या? देखो तो आंखों से दिखता है, लेकिन क्या देखना चाहिए ये समझ की बात है। कानों से सुनने को आता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए ये महत्व की बात है। यदि ये परिवर्तन हम नहीं लाएंगे तो हम में और पशुओं में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक जैसे होंगे। जैसे पशु शब्द की परिभाषा बताते हैं, पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है, क्या देखना है ये उसको समझ में नहीं आता। देखो जैसे कहीं बड़े सुंदर फूलों का बगीचा लगाया हुआ है, तो उधर से भैंस जाएगी, गाय जाएगी, तो वो सीधा खाना शुरू करेगी, उसको कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से हम जो अपने आंखें खोलने के बाद देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? क्या भोग की प्रधानता से देखते हैं या योग की प्रधानता से देखते हैं? और यह फर्क होता है केवल दृष्टि में परिवर्तन आने से। जैसे देखो मनुष्य शब्द की परिभाषा बताते हैं, मनसा सिव्यति इति मनुष्यः, जो मन के धागे से अपने को एक दूसरे के साथ बांध करके कुछ रिश्ते नाते निर्माण करता है वो मनुष्य है। जैसे एक गाय का बछड़ा, जब वो छोटा रहेगा तब तो माँ के जैसा दूध पिएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक उम्र होने के पश्चात उसको ना माँ है ना कुछ है, उसको केवल उस स्त्री से भोग मात्र करना है। देखो पशु पक्षियों में ये रिश्ते नहीं होते, लेकिन मनुष्य कौन है? जिस माँ से उसने जन्म लिया है, उस माँ के प्रति उसकी दृष्टि उसकी बुद्धि भिन्न है। कितना भी कामी मनुष्य हो, कितना भी भोगी हो, लेकिन जहां वो अपने मां के सामने आएगा तो उसकी भोग वृत्ति निवृत्त हो जाएगी, क्योंकि उसके दृष्टि में परिवर्तन हुआ है। तो यह दृष्टि में परिवर्तन हुआ तो हम मनुष्य है, दृष्टि में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम पशु है, और डार्विन के अनुसार हम सब जानवर ही है। डार्विन थोड़ी कहता है कि मनुष्य इन लोगों से अलग है। इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, यहां से मनुष्य जन्म का प्रारंभ होता है। अब दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए करना क्या है? देखो जब हमको ठीक से दिखता नहीं तो हम चले गए आंखों के डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर जो है दृष्टि में परिवर्तन नहीं लाता,
केवल हमारे आंखों में जो मसल है जिसके द्वारा हमारी जो लेंस है उसको ठीक फोकस करने की शक्ति खत्म हो गई, तो एक चश्मा दे करके वो शक्ति को थोड़ी मात्रा में वापस ले आएगा। लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, यह ज्ञान ये आंखों के डॉक्टर नहीं देते। देखो महाराज, तो अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए कई चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज ये है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। दृष्टिकोण से बहुत फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए समझो, ये जो कैमरा है इसको नीचे से रखो और फोटो ले लो तो नाटा आदमी भी लंबा दिखेगा, और यदि इस कैमरे को ऊपर से लगाओ और नीचे का फोटो लो तो लंबा आदमी भी नाटा दिखेगा। तो वो आदमी थोड़ी लंबा नाटा हो गया है, ये तो दृष्टिकोण का फर्क पड़ा है। इसी प्रकार से हम लोगों की जीवन की कितनी दृष्टियां संभव है इस पर चिंतन करें। इसके लिए हम एक उदाहरण ले फिर उसको अपने जीवन में घटाने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण ये है कि हम समुन्दर के किनारे चले गए तो वहां हमको अनेक लहरें दिखेगी। तो एक दृष्टिकोण ये है, एक लहर दूसरी लहर को देख रही है तो क्या होगा उनका जीवन? कंपटीशन, जेलसी, उसको मारो, उसको काटो और आगे बढ़ो। ये हो गया एक सापेक्षता का जीवन, सापेक्षता की दृष्टि जिसमें मैं तू तू का महात्म्य रहता है, पहली बात। अब दूसरी दृष्टि, यह जो लहर है यह समुद्र के तरफ देख रही है तो यह दृष्टि भी क्या होगा? लहर कभी भी समुद्र के साथ कंपटीशन नहीं करेगी, जलेगी नहीं, अपने आप को समुद्र के प्रति समर्पित करेगी। अब तीसरी दृष्टि, समुद्र लहरों की तरफ कैसा देखता है? क्या सुनामी आई तो समुद्र कहेगा कि मुझे अच्छी नहीं लगती सुनामी, और छोटी सी एक रिपल होगी, लहर होगी तो समुद्र ये कहेगा नहीं अभी छोटी है कोई बात नहीं? नहीं, समुद्र के दृष्टि से सभी लहरें एक समान है। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, भगवान कहते गीता में मेरे लिए सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तीसरी दृष्टि हो गई। चौथी दृष्टि, पानी के दृष्टि से देखो तो पानी के दृष्टि से ना तो समुद्र है ना तो लहरें हैं, और इसीलिए ना तो कारण है ना तो कार्य है। देखो अब ये उदाहरण स्पष्ट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। जब हम समुद्र के किनारे गए तो हमारा ध्यान लहरों पर इतना होता है कि हम समुद्र को देखना भूल गए, तो क्या हो गया? लहरों ने समुद्र को ढक दिया। और फिर जब हम समुद्र में कूदते हैं तो उस समुद्र ने पानी को ढक दिया है। देखो एक बार हम अमेरिका में मायामी से जा रहे थे बोट से एक क्रूज पर बहामा आइलैंड्स। 3 दिन लगते हैं, एक दिन जाने का, एक दिन रहने का, एक दिन वापस आने का। तो हम वहाँ वो क्रूज के डेक पर खड़े थे और बाहर देख रहे थे, तो हमारे एक मित्र आए और उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा।
स्वामी जी आप कल्पना कर सकते हो क्या, यहां पानी कितना गहरा होगा समुद्र में? तो मैंने उसकी तरफ देखा, हमने कहा देखो मैं मूर्ख प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। बोले तो स्वामी जी इसमें क्या मूर्खता है, समुद्र में पानी कितना गहरा है सीधा प्रश्न है, इसमें क्या मूर्खता है? हमने कहा मूर्खता यह है, समुद्र में पानी है कि पानी में समुद्र है? किसमें कौन है? समुद्र में से पानी निकाल डालो तो समुद्र रहेगा, लेकिन यदि समुद्र नहीं है तो गिलास में पानी नहीं रहता क्या? तो सत्य क्या है? सत्य पानी है, समुद्र नहीं है। अब ये देखो ढक्कन ठीक से समझ लेना, तो क्या हुआ, लहरों ने समुद्र को ढक दिया, समुद्र ने पानी को ढक दिया, और जब तक के ये ढक्कन रहेगा, कैटरेक्ट रहेगा अपने बुद्धि पर, तब तक के ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखो महाराज, अब ये जो है ना ढक्कन उतारने का धंधा, उसी को कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। देखो एक बार यही की बात है, एक हमारे अच्छे मित्र है, पुलिस अफसर है, हमको उनके प्रति बहुत आदर है, पुलिस होते हुए भी वेदांत के प्रकांड चिंतक है। इसलिए पिछली बार आए थे हमारे पास, हम बिरला मंदिर में रहते हैं, रात का समय था 8-9 बजे का, तो बोले स्वामी जी इस समय मैं बहुत बिजी हूं, समय नहीं मिला, कुछ मुझे ऐसी बात बता दो कि मैं साल भर उस पर चिंतन करता रहूं। तो मैंने कहा आप जहां खड़े हो और लाइट ऑफ कर दो, तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया। हमने कहा क्या देख रहे हो? बोले कुछ नहीं। हमने कहा अब लाइट ऑन करो, लाइट ऑन किया, अब क्या देख रहे हो? तो कहा उन्होंने मैं आपको देख रहा हूं, आपका टेबल देख रहा हूं, आपका बिस्तर देख रहा हूं, आपकी खड़ाव देख रहा हूं, यहाँ का फर्नीचर देख रहा हूं, आपका लैपटॉप देख रहा हूं, पानी की बोतलें देख रहा हूं। मैं बोलते जाओ और क्या क्या देख रहे हो? बोले और क्या, भाई ये देख रहे बस। बोले हाँ। तो हमने कहा देखो तुमको ज्ञान तो हो गया। बोले नहीं 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 आप बताओ। हमने कहा देखो हम तो लाइट देख रहे हैं, हम ये वस्तु नहीं देख रहे, लाइट देख रहे हैं। ध्यान से सुनना, हमारी ये भ्रांति है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, असल में हो क्या रहा है कि यह जो ट्यूबलाइट का लाइट है वो हमारे शरीर पर या किसी वस्तु पर जब रिफ्लेक्ट होता है तो हमको वो रिफ्लेक्टेड लाइट ही दिखता है, वस्तु नहीं दिखती। देखो यदि हम यहां बैठे हैं और आप वहां प्रकाश में बैठे हैं और यहां का एकदम अंधकार हो जाए तो हम पर लाइट नहीं पड़ेगा, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप हमको नहीं देख पाओगे, हम तो है ना, तो आप क्या देख रहे थे? आप हमको नहीं देख रहे थे, आप केवल हमारे शरीर पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे थे, ओरिजिनल लाइट नहीं देख रहे थे, ओरिजिनल लाइट देखा ही नहीं जाता। आप और हमारे बीच में ये प्रकाश है ना, दिखता है क्या? केवल परावर्तित प्रकाश ही दिखता है। उसके कारण क्या हो गया? तो जहां जहां प्रकाश पड़ा उन वस्तुओं को हमने देखा और उन वस्तुओं को हमने इतना महत्व दे दिया कि जिस प्रकाश के कारण वो वस्तुएं देखी गई थी उस परावर्तित प्रकाश के प्रति ही हम एकदम उदासीन हो गए। यहीं से संसार शुरू होता है। देखो महाराज, तत्व चिंतन करना है तो सूक्ष्मता चाहिए। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिभिः, कठोपनिषद की श्रुति कहती है
एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। परमात्मा तो सब में ठसा ठस भरा हुआ है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, लेकिन हमको दिखता क्यों नहीं? क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। ये सूक्ष्म बुद्धि को लेकर के आपको बताए, वृंदावन की बात है, एक अम्मा आई और कहती है, महाराज जी आप बहुत ही कठिन कठिन बताते हो, आपको तो स्थूल बुद्धि है, हमारी तो सूक्ष्म बुद्धि है, हमको समझ में नहीं आता। अब उस महारानी को क्या बतावे? देखो, जो बुद्धि किसी के जेब काटना, किसी का गला काटना, पैसे कमाना इस प्रकार की होती है, और जिस बुद्धि की सूक्ष्मता के कारण तत्व चिंतन होता है, ये दोनों की सूक्ष्मता भिन्न होती है। देखो, जिस शार्पनेस से हम शेविंग करते हैं और जिस शार्पनेस से हम कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं, दोनों में फर्क है ना। यदि आपका शेविंग करने वाला ब्लेड लेकर के पेड़ काटने का प्रयत्न करो तो कभी नहीं कटेगा, और यदि कुल्हाड़ी से शेविंग करने का प्रयत्न करो तो सत्यानाश। हर जगह में अपनी सूक्ष्मता चाहिए, और ये सूक्ष्मता को प्राप्त करना, यही दृष्टि में परिवर्तन लाना है। देखो, उपनिषद में आता है, मुंडकोपनिषद में, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को पहचानने के लिए पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण जाए। और कैसे? समित पाणी, समित पाणी का तात्पर्य है हाथ में सूखी लकड़ी लेकर के, ताकि गुरु महाराज की चिता जल्दी जल जाए। जब तक के वैराग्य नहीं होता, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। वैराग्य रहित व्यक्ति जब तत्व श्रवण करता है तो उसके सामने प्रश्न आता है, ये सब करने से क्या मिलता है? देखो, जहां मिलने की बात है वहां हम आउट। आप देखेंगे, समझो अभी देवी का नवरात्र चल रहा है, या अनेक स्तोत्र होते हैं गणेश जी का, शिव जी का, और सभी स्तोत्रों के बाद में फलश्रुति आती है। इसका यदि पाठ करोगे शिव जी के सामने बैठ करके, तो आपको बच्चे नहीं हो तो आपको एक दर्जन बच्चे हो जाएंगे। यदि आप बिल्व पत्र से इसका अभिषेक करके पाठ करोगे तो आपको पैसा नहीं है तो पैसा मिल जाएगा। देखो, फलश्रुति, तत्व चिंतन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो गलती से पकड़ के रखा था उसको छोड़ दोगे आप, और फिर पता चलेगा जिसको हम ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली। देखो महाराज, हम सभी के सभी इस शांति को, इस आनंद को प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। Till such time you seek happiness, you will never discover happiness. देखो, stop seeking happiness, discover happiness. देखो, खोजो मत, खो जाओ। हम खोजने में लगे हुए हैं खोजा बन करके। देखो संतो, और ये खो जाने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। तो दृष्टि का परिवर्तन क्या हो गया? हमारे दृष्टि पर जो ढक्कन आए हैं, जो कैटरेक्ट चढ़ा है, उसको हटाना है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कैटरेक्ट हटाता है, तो क्या ये जगत का निर्माण करता है? नहीं, जगत तो है ही, केवल उस कैटरेक्ट के कारण वो हमको दिख नहीं रहा था तो अब दिख गया। इसी प्रकार से परमात्मा तो है ही,
केवल हमको उसकी पहचान नहीं है, और पहचान नहीं होने का कारण हमारे दृष्टि पर ढक्कन चढ़ चुके हैं। यदि हमारा चश्मा पीले रंग का हो तो हमको लगेगा आप सभी के सभी पीलिया के रोगी हो। अब ये पीलिया कहां है? ना तो आप में है, ना तो हमारे आंखों में है। पीलिया उस चश्मे में है जहां से हम आपको देख रहे हैं। तो चश्मा बदला, दृष्टि में परिवर्तन आ गया। देखो संतो, ये दृष्टि में परिवर्तन लाना यही आध्यात्मिक साधना है। बाकी का सब ठीक है अपने जगह में, कुछ गलत नहीं है। धर्म करो, दान करो, लोगों को खाना खिलाओ, सब ठीक है। लेकिन उससे तत्व चिंतन नहीं होता। उसी प्रकार से मंदिर में जाओ, मत्था टेको, सब ठीक है, जप करो, बहुत बढ़िया है, कुछ गलत नहीं, लेकिन तत्व चिंतन नहीं होगा उससे। तत्व चिंतन तब होता है जब हमने अपने को बदलने का और अपने को पहचानने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। साधुरेव स मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः, जिसने अपने दृष्टि को परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है वह साधु है, जो अन्य को बदलने में लगा है वह समाज सेवक है। देखो हमको कितने लोग मिलते हैं, यही चक्कर रहता उनका कि स्वामी जी हम चाहते हैं कि एक ऐसे ऐसे एक स्कूल खोल दे, तो आप उसके लिए क्या बताओगे? स्कूल क्यों खोलना चाहते हैं? कम स्कूलें हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो। अपना अपना तो सत्यानाश हो चुका है। देखो महाराज, ये दुनिया के चक्कर में जो पड़ा है ना, उसको प्रभु का दर्शन नहीं होता। और ये बात उपनिषद में आता है, ईश्वरानुग्रहातेव पुंसा मद्वैत वासना महद भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते। ये तो जब ईश्वर का अनुग्रह होता है तब हमको एक आध बार दिमाग में लाइट जल जाता है कि अध्यात्म का अर्थ धर्म नहीं, योगा नहीं, भक्ति नहीं और कुंडलिनी नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य अपने को पहचानना है, और हम पहचानते इसलिए नहीं अपने को, अपने दृष्टि पर पर्दा आ चुका है। देखो तो हम हमारे वो पुलिस अफसर को बोल रहे थे, देखो तुम्हारी परेशानी मालूम ही क्या है, ये सार्वजनिक परेशानी है, अब इसको प्रैक्टिस करना है जीवन में। कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे गहरी नींद में खर्राटे मार के हम सो रहे हैं, सुबह उठे, उठने के बाद क्या होता है, चाय कॉफी, बाथरूम में कौन गया है, मुझे नहा के जाना है, तो हम इस जगत में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये विषयों के द्वारा, ध्यान से सुनना, इन विषयों के द्वारा हमारे ज्ञानेंद्रिय ढक गए हैं। देखो रूप रंग के द्वारा दृष्टि ढक गई है, तो जहां आंखें खोली दुनिया को देखना शुरू कर दिया, और फिर ये अच्छा है ये बुरा है, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। जैसे किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को हरा, किसी को पीला, पूछो उनको आपको लाल रंग क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आपको मट्ठा क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, कोई कारण थोड़ी है उसके पीछे। हमारे राग द्वेष के पीछे कोई भी कारण मीमांसा नहीं है, और उसी के द्वारा प्रेरित होकर के हमारा पूरा जीवन चल रहा है। देखो संतो, इसीलिए
जब तक के हम इन इन विषयों में फंसे हैं तब तक के हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा। फिर हम विषयों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करेंगे। देखो अब आप लोग अपने घरों में देखो, पहले एक छोटा सा घर है, फिर उसमें सामान भरना शुरू कर दिया, इतना सामान भरा कि आदमी को खड़ा रहने को जगह नहीं, तो फिर ऐसा करते हैं एक कमरा और बढ़ा देते हैं, फिर दूसरा कमरा बढ़ा लिया, फिर उसमें सामान भरा, तो उसके द्वारा क्या हो गया, ये सभी सामान के कारण उस कमरे की जो खाली जगह थी वो ढक गई। देखो इसी प्रकार से जगत के विषयों के प्रति जब तक हमारे मन में महात्म्य है तब तक के हम इन विषयों के गुलाम बन करके रहेंगे, और ऐसा जो विषयों का गुलाम है उस वो तो अपने से दूर चला गया। हम हैं आनंद स्वरूप, आनंद से दूर चले जाओ माने क्या, दुखी हो जाओ। देखो कितनी सरल बात है। तो जो जो व्यक्ति दुखी है वो अपने से दूर भटका हुआ है, और जहां हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो दूर से सबकी ममता ताग बटोरी, सबको छोड़ छाड़ करके हम फिर अपने पास वापस लौट आए, और जहां अपने पास लौट आए गहरी नींद में, वहां हम कुछ नहीं होते, हमारा कुछ नहीं होता, वी आर नोबडी, वी हैव नथिंग, लेकिन आनंद की मात्रा संपूर्ण रूप से उपलब्ध है। और इसीलिए गहरी नींद से आदमी उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसको वो आनंद प्राप्त हो गया है जो बाहर कहीं नहीं था। देखो संतो, तो दृष्टि में परिवर्तन लाने का अर्थ क्या हो गया, पहले अपने दृष्टि को इन विषयों से हटावे। विषयों को हमने बहुत महत्व दिया है। हमारे अर्जुन महाराज भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान कृष्ण ये बताइए, मनुष्य न चाहते हुए भी मानो कोई उससे गलत काम करवा रहा है, ऐसा जबरदस्ती से पाप का मार्ग माने गलत कार्य में क्यों लगता है, क्या कारण है इसका? तो भगवान कहते हैं इसका कारण बाहर कहीं नहीं है, इसका कारण विद्धि एनम यह वैरिणम, इसका जो शत्रु है जो आपको गलत कार्य कर रहा है करा रहा है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। कौन है वो? भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। यह काम है, कामना है, इच्छा है। अब ये कामना को लेकर के चिंतन करें, कामना का क्या अंत हो सकता है? या तो हमारी कामना पूरी होगी या कामना पूरी नहीं होगी, दो में से एक होगा। कामना पूरी नहीं हुई तो उसी को कहते हैं क्रोध। देखो आपने देखा होगा कई बाबा जी हमारे जैसे, समझो कोई लेट आ गया, एकदम गुस्सा कर जाते। कारण क्या है? उनकी कामना ये है लोग टाइम पे आए और अच्छी तरह से सुने, और ये कभी होगा नहीं, तो फिर गुस्सा करना उनका स्वभाव बन जाता है। फिर बाहर बोर्ड लगा देंगे, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑल स्लीपिंग इनसाइड। तो संतो कोई भी कामना रहे तो इस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध प्रकट हुआ, कामना यदि पूरी हो गई तो लोभ प्रकट हुआ। देखो हम अभी गए थे यूएसए में, एक जगह किसी मंदिर में लेक्चर था, और वहां जब हम गए मंदिर में तो कोई भी नहीं था,
हम और हमारे ड्राइवर दो ही थे, तो उनको लगा स्वामी जी ये क्या हो गया। हमने कहा प्रभु की इच्छा है और क्या है। फिर उन्होंने देखा क्या हो गया, तो जिस सज्जन को बताया था उसको हार्ट अटैक आकर के वो हॉस्पिटल में भरा हुआ है और उसकी पूरी फैमिली उसमें लगी हुई है और उस सब गड़बड़ में ये सब लोग भूल गए। समझे अब क्या करें। हमने कहा चाय पियेंगे और क्या है। देखो यदि आपके मन में ये कामना होगी मैं जब जाऊंगा तो 1000 लोग वहां खड़े हो जाएंगे, आपने अपनी ग्रेव यहां खोद ली है। ये सिद्धांत हर जगह लगाओ। बच्चे हमारी बात माने, पहली इच्छा, आपने दुखी होने का धंधा कर शुरू कर दिया है। देखो महाराज, इसीलिए काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया, काम पूरा हो गया तो लोभ आया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्। नरक के ये तीन दरवाजे हैं। तीन तीन दरवाजे की क्या जरूरत है, भीड़ होती है बाबा। स्वर्ग का एक ही दरवाजा है फिर भी वो खाली रहता, कोई नहीं जाता वहां। तो यह जो काम क्रोध है यही विद्धि एनम इह वैरिणम, यह काम क्रोध जो है यही हमारा नंबर एक का दुश्मन है। अब हम क्या करते हैं, पूरे जिंदगी में अपनी कामना को पूरा करने का व्यर्थ प्रयत्न किया। ये बात बहुत सूक्ष्म है और सहज है, कोई कठिन नहीं है। यदि हमको अपनी जीवनी लिखनी हो एक लाइन में तो क्या लिखेंगे हम, आज तक हमने जिंदगी भर अपने कामनाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है, ओवर। बच्चे थे तो ये चाहिए वो चाहिए, मार्बल चाहिए, आजकल तो वो डिजिटल होते हैं, मार्बल चाहिए। अब बड़े हो गए, अब बाथरूम में मार्बल लगाना है, अरे राम, पूरा जीवन बल को मारने में ही चला गया, इसलिए मार्बल कहते हैं उसे। पूरा जीवन केवल इच्छा को पूरा करना एकमात्र जीवन का लक्ष्य रहा है। और हम सब देखते हैं जानते हैं जहां इच्छा नहीं होती वहां प्रसन्न रहते हो। गहरी दिन में एक भी इच्छा नहीं, आप कितने मस्त रहते हो। यदि आप सोने को चले जाओ और आपके मन में एक इच्छा हो, कल सुबह जल्दी फ्लाइट पकड़नी है इसीलिए इतने बजे घर से निकलना है, रात भर आप सो नहीं पाओगे। एक इच्छा पूरे रात को बर्बाद कर देती है। हमारे हृदय में दुनिया भर की इच्छाएं है, जीवन बर्बाद कर देती है। देखो संत, आपने देखा होगा ये जो जायंट व्हील होता है मेले में होता है ना, उसमें जाके आप बैठो तो जब वो घूमेगा तो पेट में कैसा होता है, और यदि उस पेरिफेरी से आप सेंटर में आ जाओ, उसका जो हब है एक्सिस है वहां आ जाओ, तो वहां आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से जितनी जितनी विषयों की इच्छा या कामना होती है उतने उतने हम अपने आप से दूर भटक रहे हैं। जितना अपने से दूर भटकेंगे उतनी दुख की गारंटी है आपको। देखो कई बार लोग ये करते हैं ना कि स्वामी जी हमने सोचा है एक वहां शिमला में एक फार्म हाउस के जैसा बना लेते हैं, फिर आप कभी वहां आ सकते हैं। हाँ ठीक है बनाओ, भी बना लिया। अब वो हर महीने में या दो महीने में वहां जाएंगे, साफ सफाई करके वापस आ जाएंगे। देखो
लेकिन एक कामना मन में, वहां जाके ये करना है, वहां जाके ये करना है। एक शरीर, मकान चार चाहिए, उसी में लगे हैं मुन्ना भाई और फिर परेशान रहते हैं। तो जहां आप अपने से दूर भाग गए, दुख की गारंटी, कामेश क्रोधेश। तो विद्धि एनम यह वैरिणम, तो हमारे दृष्टि पर जो पर्दा आया है उस पर्दे को हटाना, यही दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो अभी हमारी दृष्टि क्या है, जगत सत्य है, विषयों को इकट्ठा करना प्रॉस्पेरिटी का लक्षण है, जितनी ज्यादा खाने के लिए व्यंजन टेबल पर होंगे उतना अच्छा है। आप लोगों की शादियों में देखा होगा आप लोगों ने, एक एक थाली के 2-2 हजार रुपए, उसमें बताएंगे 156 भोग है। उनको आदमी एक एक उंगली से जैसे चंदन लगाते भगवान को, वैसे चख ले तो पेट फट जाएगा देखो। लेकिन उसमें हमने शादी में 2-4 करोड़ तो लग ही जाते हैं, बस गुप्ता जी अब मोटे हो गए 2-4 लोग। किसको हम धोखा दे रहे दुनिया में? देखो संतो, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना यही अध्यात्म है। बहुत सरल बात है। तो ये कामना को मन से हटाना, यह दृष्टि में परिवर्तन लाने का एकमात्र उपाय है। जितनी कम कामना उतने आप खुश। तो यदि किसी शत्रु को मारना है तो पहली बात, शत्रु के साथ प्रेम नहीं करना, शत्रु को माफ नहीं करना, शत्रु को मारना है। तो ये जो शत्रु है काम, कहाँ है ये, कैसे मारे इसको? भगवान बताते हैं इसके हाइड आउट्स कहाँ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्य देहिना। यह जो काम है, यह इंद्रिय मन और बुद्धि इन तीन जगह में रह करके ज्ञान पर पर्दा डाल देता है, ज्ञान आवृत्य। तो साधना क्या होगी अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने की? इस पर्दे को हटाओ। जो हमारी मीराबाई कहती है ना, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे, ये घूंघट के पीछे ढका हुआ है सौंदर्य। कौन से घूंघट है? विषय, उनकी गुलामी, इंद्रिय, उनके नखरे, मन, इसकी इमोशंस, बुद्धि, उसका अहंकार, इनके पीछे कन्हैयालाल मस्त बैठे हैं। उसको तो हम नहीं देखना चाहते और बाहर भटक रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। कितना भी आप बाहर भटको, जब तक के आप आकर के सो नहीं जाते, तब तक के जीवन में चैन नहीं। एक बार हम स्विट्जरलैंड गए थे, हमारे साथ एक पति पत्नी, उनकी 2 लड़कियां थी छोटी छोटी, 10 साल के, 12 साल। तो हमने कहा पति पत्नी को, आप लोग सामने बैठो। पति कार चला रहा था, पत्नी पति को चला रही थी। हमने कहा तुम झगड़ते रहो, मैं पीछे बच्चों के साथ बैठता हूं। तो दोनों साइड से इस खिड़की के पास एक लड़की दूसरी लड़की से बीच में मैं बैठा। मैंने कई बार देखा था, मुझे कोई देखने का शौक नहीं। तो ये दोनों बच्चे सो गए, तो उनकी माँ मुझे कहती है, स्वामी जी इनको उठाओ ना जल्दी। बोले क्यों? देखो इतना सुंदर, हम लाखों रुपए खर्चा करके आए, यहाँ का इतना सौंदर्य है, ये सो रही है, देखो देखो कितना सुंदर है। तो मैंने कहा भाई देखो सौंदर्य, हमें फिर सो गई। यदि बाहर का सौंदर्य असली होता तो वो क्यों सोती? देखो संतो, आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, कठोपनिषद कहती है
परांची खानी वेतृण स्वयंभू तस्मात परान पश्यति नान्तरात्मन। हम लोगों का ये जो डिजाइन बनाया है, ऐसा बनाया है, इंद्रियों में जाकर के बैठो तो आप बहिर्मुखी होगे ही। परांची खानी वेतृण स्वयंभू, भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है। देखो, यदि आप इस खिड़की के पास जाके खड़े होगे तो खिड़की से कमरे के अंदर देखोगे कि बाहर देखोगे? देखो महाराज, इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। इस कामना का जो अधिष्ठान है वो है इंद्रिय। देखो, इंद्रिय ने विषय को ग्रहण किया, मन ने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करी, बुद्धि ने उसकी आवश्यकता पर जोर दिया, उसके गुलाम हो गए। तीन बातें। किसी भी वस्तु को देखो आप और निकल पड़ो, आपके मन में कामना निर्माण नहीं होगी। वस्तु को देखा, देखने के पश्चात मन ने प्रक्षेपण शुरू कर दिया, ये वस्तु अच्छी है, आवश्यक है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूं। उसके बाद बुद्धि ने समर्थन किया, बिल्कुल ठीक है, हरेक के पास होता है, अपने पास भी होना चाहिए। आप उस वस्तु के पीछे लग गए और जब तक के वो वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक के शांति नहीं। एक बार जिस वस्तु की इच्छा हम करते हैं वो वस्तु प्राप्त हो जाए, दो दिन की बात है, तीसरे दिन उस वस्तु को देखने की इच्छा नहीं होती। एक सज्जन हमको मिले, अभी हम कहीं गए थे दक्षिण भारत में, उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने आपकी सब पुस्तकें खरीद ली है और आपकी सब MP3 मेरे पास है। तो मैं सुन रहा था, बोले बताओ और क्या करूं मैं। हमने कहा ये सब बेच डालो। देखो, केवल ये एक होता है मेरे पास सब पुस्तकें, करोगे क्या, अचार बनाओगे उसका? देखो, पुस्तक पढ़ करके किसी को ज्ञान नहीं होता, पंडित जरूर हो जाओगे, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होता है, ध्यान से सुनना, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार अपने बुद्धि में परिवर्तन ला करके जीने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अध्यात्म। नहीं तो जैसे टेप रिकॉर्डर होता है, ऑन कर दो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध सभा मा मका पांडवा चंजय संजय वाच दृष्टवा तो पांडवा निकम यूडम दुर्योधन सदा आचार्य। वो टेप रिकॉर्डर का उद्धार हो जाएगा, आप वहां के वही बढ़े रहोगे। देखो, अपने अनुभूतियों से सीखना यह अध्यात्म है। बाहर से कुछ नहीं मिलता, और जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखना इसको अध्यात्म के रूप में स्वीकार करेगा तो हरेक अनुभूति के साथ वो समझदार होगा। इफ वी लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विथ एवरी एडिशनल एक्सपीरियंस वी विल ग्रो वाइज। जब सीखते हैं तो मन पर संस्कार नहीं होते, जब संस्कार नहीं होते तो संसार प्रारंभ नहीं होता। जैसे विषय कोई वस्तु देखी आपने और मन में हुआ अच्छी वस्तु है, बढ़िया है, तो धीरे धीरे संस्कार हो रहे हैं। और यदि आपने देखा और मन ने अपनी कमेंट्री शुरू करी, उस समय आपने अपने सीख को बाहर ले आए। आज तक हमने कितनी चीजें इकट्ठी करी है, उसमें से हमको क्या कृतकृत्यता मिली है? नहीं। तो वस्तुओं को एकत्र करने से जीवन में कृतकृत्यता नहीं मिलती, ये सिद्धांत आप सीख लोगे। इच्छा की पूर्ति
माने जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट इन लाइफ। देखो, और ये इच्छा का मतलब ये मत समझ लेना कि घर गृहस्थी की इच्छा है, बच्चे पढ़े, यही नहीं, बाबा जी की भी इच्छा होती है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, स्वामी जी इसको सोने में गढ़ावे कि चांदी में गढ़ावे कि उसको धागे में, हो गया जरूर। फिर कौन सी माला अच्छी होती है, वैजंती माला, उसके पीछे जाओ। ये सब इच्छा ही है और कुछ नहीं है। देखो संतो, काम एष क्रोध एष विद्धि एनम वैरिणम, तो अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है तो पहला सिद्धांत, अपने इच्छा को पूरा करने का दुराग्रह छोड़ दे, जो है बढ़िया है। देखो आप गृहस्थ हो, गृहस्थों का दुराग्रह क्या होता है, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जब आप बच्चे थे तब संस्कार थे क्या आप पर, कभी गए थे मंदिर में? नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे, एक जगह हम गए थे दक्षिण भारत में, वहां गुजराती और सिंधी लोगों का एक मंडल था, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हमको कहा स्वामी जी आप हम लोगों के लिए एक विशेष प्रवचन देना, जरूर आना। हम वहां गए तो जब वहां डायस पर जा रहे थे तो एक बुढ़ाऊ ने हमको कहा स्वामी जी आप इसको बताइएगा जरूर कि ये टीवी के कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब उन्होंने गलत नंबर डायल किया, हम क्या करें। तो हम पहुंचे वहां और कहा हमारे समाज में टीवी के कारण सब बुढ़ाऊ बिगड़ चुके हैं। उनको लगा स्वामी जी ना मैं ठीक बोल रहा हूं, बच्चे नहीं बिगड़ते, बुढ़ाऊ बिगड़ते। देखो अपने घरों में जाकर के देखो कितना हम चिपके रहते हैं उस टीवी को, बहुत महत्व की बात है। और उसमें देखेंगे क्या, वही घटिया सीरियल। आपको इसका अनुभव करना है, जब इनके फेवरेट सीरियल होते हैं ना उस समय आप किसके घर चले जाओ और फिर उनसे बात शुरू करो। अच्छा स्वामी जी आप आ गए, बैठिए बैठिए। देखो उसमें निकलता क्या है, सब गंदगी उसमें फंसे हुए हैं। ध्यान से सुनना, उसी टीवी पे ये माताओं को जब सब लोग चले गए काम कुम करने के लिए, अब ये घर में बेकार बैठी है, काम करने के लिए नौकर है, टीवी शुरू कर दिया है चैनल 18, और फिर वहां शुरू हो जाता है टेली मार्केटिंग। हम जो आपको उदाहरण बता रहे हमने स्वयं देखा इसलिए बता रहे हैं। हम किसके यहां थे तो वो अम्मा ने लगाया, मैंने अम्मा बोले स्वामी जी इसमें अच्छी अच्छी चीजें आती है। फिर मैं देख रहा था आलू काटने की मशीन, 5 मिनट में 5 किलो आलू एक साइज के कटेंगे। अब उसकी कीमत दुकान में ले लो MRP तो 21,000 रुपए, अभी तुरंत यदि फोन करोगे तो 2100 रुपए, तुरंत दूसरे माने फोन करके वो मशीन आ गए 2 दिन में। अब घर में ये दो केवल पति और पत्नी, अब ये 5 किलो आलू काट करके के दुकान खोलेंगे और फिर वो मशीन दिखाने के लिए पब्लिक को बुला। यही तो संसार है महाराज। देखो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि कैसे हम अपनी ही बेवकूफी के कारण इस दुनिया में उलझ रहे हैं। यही ढक्कन है, जैसे ये ढक्कन समझ में नहीं आता कि समुद्र को लहरों ने ढक दिया है, सुवर्ण को नाम रूप ने ढक दिया है, सुवर्ण में आभूषणों में से नाम रूप निकाल डालो तो सुवर्ण मात्र है, वही सत्य है।
लेकिन हमारा ध्यान जाता है वो उसका डिजाइन कैसा है, वो किसने पहना था, वो कैसी दिख रही थी, और वैसी मैं भी दिखूंगी, फंस गए। इसीलिए संतो दृष्टि में परिवर्तन लाने का तात्पर्य इसको समझे कि हमारा दुश्मन यदि कोई है तो यह इच्छा मात्र। तो क्या करें, केवल समझदारी से। और समझदारी यही है, आज तक हमने इतने सामानों को विषयों को इकट्ठा किया, क्या हमको तसल्ली हुई? और करें, देखो आप लोगों के घरों में जाके देखो कितने सारी या कपड़े लटके होते हैं, दो चार छह दस थोड़ी हो गए। अब अभी जब जाते हैं ना पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में चले जाओ, वहां वॉक इन वार्डरोब होता है, ऐसे अलमीरा नहीं, आप पूरा अंदर घुस सकते हो, और उसमें इतनी साड़ियां लटकी होती है पैथेटिकली, मुझे लो मुझे लो मुझे लो, और वहां एक दो नहीं, दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में साड़ियां होती है। और वहां दे फिर कहीं जाना है, इसको पहनो नहीं, क्या करोगे इतना इकट्ठा करके? ठीक है, उनको बोलो तो स्वामी जी आपको कोई टेस्ट ही नहीं है। देखो संतो, आज तक इसके चक्कर में पड़ करके हमने पूरे जीवन को बर्बाद किया है। देखो कामेश, तो पहले विषयों का महात्म्य बढ़ करके हमारी इंद्रियों को गुलाम बनाता है, पूरा जीवन इंद्रियों की ही सेवा करने में लग गया। एक हम मारवाड़ी घर में गए थे, मारवाड़ी घरों में लेडीज लोग काम नहीं करती, इसीलिए वो राउंड फिगर होती है। तो पंडित जी होते हैं अपने राजस्थान के, वो बेचारे काम करते हैं। तो हम और हमारे मित्र दोनों बैठे खाने के लिए, बहुत पुरानी बात है, जमीन पे बैठे। ये भी बड़ी विचित्र बात है, लो हम तो इंडियन स्टाइल के जमीन पे बैठना, ये किसने बताया जमीन पे बैठना इंडियन स्टाइल का है? पता नहीं कहां से विचित्र विचार दिमाग में घुस जाते हैं। तो हम जमीन पे बैठे और ओ पंडित खाना ले आया बेचारा, और हम अपना खाने में लग गए। अब उसमें कहीं दाल थोड़ी जली थी या कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा था। अब ये हमारे दोस्त को इतना गुस्सा आया, अरे राम राम, एकदम फेंक दी थाली, उसको गाली दी और निकल गए। मैं तो डट के खा गया, सिंगल पॉइंटेड। फिर दूसरे दिन बैठे हम खाने के लिए, मैंने आज देखते क्या तमाशा है। दूसरे दिन का खाना बहुत बढ़िया था, फिर गुस्सा कर गए, जब तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो कल क्यों नहीं बनाया था? अरे राम 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 राम। देखो महाराज, सबसे दुख देने वाला इंद्रिय यदि कोई है तो वो इंद्रिय जिसमें हड्डी नहीं होती, और वो है अपनी जबान, खाने के नखरे और बोलने की कड़वाहट। इंद्रियों में यदि हम अपने जिह्वा और रसना, जो टेस्ट लेती है उसको रसना कहते हैं, जो बोलती है उसको जिह्वा कहते हैं, अंग्रेजी में टंग कहेंगे, एक ही शब्द है। तो जब तक के हम अपने इस रसना जिह्वा पर नियंत्रण नहीं लाएंगे, तब तक के अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा। तो जहां हमने विषयों को समझदारी से हटाया, फेंकना तोड़ना कुछ नहीं है, देखो साधना ये है, किसी भी विषयों का गुलाम होकर के नहीं रहना, ये साधना है। इसको ध्यान में रखते हुए आप व्रत करो, जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो लोग खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये 9 दिन का बदला निकाल देंगे। 9 दिन तक चातुर्मास में प्याज लहसुन नहीं खाया, आप चाय में भी प्याज लहसुन डाल के पियो, कितना भोग भोग भोग। देखो ये तपस्या का, व्रतों का तात्पर्य यही है कि हम किसी के गुलाम बनकर के नहीं रहे।
ये आध्यात्मिक साधना है, ना विषयों के, ना वस्तु के, ना देश के, ना काल के, ना व्यक्ति के। हमको किसी का गुलाम होकर के नहीं रहना है, अपने स्वातंत्र को टिका के रखे, तब देखो जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। अच्छा महाराज, अब ये कामना जब हमारे इंद्रियों को जीत लेती है तो जैसे कैंसर की सेल्स होती है ना, एक ऑर्गन को उसने काफी नुकसान कर दिया, फिर वो कैंसर के सेल जो है वो वहां से निकलती है, चलो समाज सेवा करते हैं, और फिर वहां से वो मेटास्टेसिस होकर के दूसरे ऑर्गन में जाकर के बैठेगी और वहां फिर दूसरा धंधा शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से यह कामना का वायरस अपने इंद्रियों से निकल करके मन में प्रवेश करता है। इंद्रियाणि मनो, फिर ये मन में कामना ने प्रवेश किया, और जब मन में कामना प्रवेश करती है तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं। स्वामी जी एक बात मुझे याद नहीं रहती, क्या करूं, उसी नहीं रहती बाबा यार, ये मेरे पत्नी का जो बर्थडे है ना वो याद नहीं रहता, क्या करूं। नहीं एक बार भूल के देखो, जिंदगी भर याद रखो, क्योंकि यदि उनको बर्थडे पर उनको गुड विशेष ना करो तो एकदम घर में एकदम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। इस घर में किसी को पड़ी है, कोई पैदा हुआ था, कोई मरा था, यहां तो नौकर बन के आए। जब ऐसे भाषण शुरू हो जाता है ना, समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ी है, क्योंकि अपने मन पर उस कामना का प्रभाव आ गया है। कामना क्या है, लोगों को याद रहना चाहिए मेरा बर्थडे है। अरे बर्थडे तो क्या करोगी बर्थडे के दिन, आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। व्हेन यू एड ए डे टू योर लाइफ यू सब्स्ट्रैक्ट ए डे फ्रॉम योर लाइफ। देखो महाराज, लेकिन कितना होता है बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और मालूम भी नहीं होता किसी को अपना बर्थडे कब है, किसी ने बताया होता है, किसी ने मालूम है कि आप पैदा हो गए, अब उसी में फंसे हुए हैं। देखो संतो, तो पहले इंद्रियों को गुलाम कर लिया, फिर ये जो इच्छा का वायरस है ये मन में प्रवेश कर लेता है, और फिर मन को जीत लिया अब इस कामना के वायरस ने, फिर क्या करेगा, अब ये बुद्धि में प्रवेश करेगा। ध्यान से सुनना, बुद्धि में प्रवेश करना माने क्या, अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तामसी। देखो करप्शन अकेले थोड़ी करते हैं, सभी करप्शन करते हैं, अपने भारत में थोड़ी होता है, सभी देशों में करप्शन होता है, और हमने किया तो क्या खराब है। देखो हम भगवान के मंदिर में जाते, करप्शन नहीं है, उनको घुस नहीं देते कि भगवान हमने एक नरियल चढ़ाया है परीक्षा में पास कर दो, तो घुसी तो है भगवान को। देखो मनुष्य अपने बुद्धि को इस प्रकार से लगाता है, मैं तुमको बाद में दे दूंगा, फटाफट निकाल यार, फोटोग्राफर है कि क्या है, निकाल पड़ जाओ। तो जब हमने अपने बुद्धि में इस कामना को प्रवेश करने को परमिशन दे दी, तो यह बुद्धि अपने अधर्म को धर्म निश्चित करेगी। देखो अधर्म को धर्म बनाने का तरीका मालूम है क्या है, ATG, आपको पता है, पार्ले जी, बैनर्जी, मुखर्जी, ATG, इतना आप दान करोगे तो आपको इनकम टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो तो पैसे दिए थोड़ी है, बचाए है, और ऊपर से पुण्य कमाया है। संतो मनुष्य जितना अपने आप को धोखा देता है और किसी को नहीं देता, इस सब के पीछे कारण एक ही है, कामना। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते, और इसी के द्वारा मोह का पर्दा हमारे बुद्धि पर पड़ जाता है,
और ये मोह का पर्दा पड़ने के पश्चात फिर हमारी दृष्टि विकृत हो जाती है। देखो तो शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग का तात्पर्य केवल एक ही चीज में है, अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। तो हमारी दृष्टि क्या है? लहर की, लहरों की तरफ देखने की दृष्टि। गुप्ता जी अग्रवाल जी की तरफ देख रहे हैं, ये तू तू मैं तू तू, कंपटीशन, जेलसी शुरू हो गए। फिर वहां खूब धक्के खाए, धक्के खाने के बाद चलो वैष्णो देवी जाते हैं। ध्यान से सुनना, भक्त का भगवान के साथ कंपटीशन नहीं होता। व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग में आता है तो उसके अंतकरण से ये दूसरे को देख करके जलने की जो पुरानी आदत थी वो आदत खत्म हो जाती है। अभी वो जलेगा नहीं। कोई भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त जलता है क्या? भगवान आपकी तो मजा थी यार, 16,108 हमको तो एक भी नहीं मिल रही। नहीं, जहां मनुष्य भक्त के रूप में प्रकट हो गया वहां उसमें से जलन निकल गई और फिर वही साधु के रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि अब उसके हृदय से परमात्मा प्रकट हो गए। तो साधु संतों की दृष्टि क्या है? साधु संतों की दृष्टि वही है जिस दृष्टि से भगवान अपनी दुनिया को देखते हैं। इसको समझने के लिए ये वो दृष्टि है जिस दृष्टि से मां अपने बच्चे को देखती है। बच्चा कैसा भी हो, मां के लिए तो आंखों का तारा होता है। इसी प्रकार से जिस दृष्टि से भगवान अपनी दुनिया को देखते हैं उसी दृष्टि से साधु संत इस दुनिया को देखते हैं। समुद्र लहरों की तरफ देख रहा है और इसीलिए नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, साधु संतों को कोई प्यारा नहीं होता, कोई दुश्मन भी नहीं होता। हो हमको ही लगता है महाराज जी हमसे बहुत प्यार करते, झूठ है। कोई बाबा जी किसी से प्यार नहीं करता। देखो एक सज्जन थे, हम उनके यहां थे, जब निकले तो वो उनकी पत्नी रोने लगी, स्वामी जी आप जाएंगे। हमने बोला अम्मा रोना धोना मत यार। बोले देखो आप मुझे माँ कहते हो तो फिर जा क्यों रहे हो? तो उनके पति ने कहा, हे भाग्यवान, ये बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना, जो अपनी माँ को छोड़ के आया हो तुमको पकड़ के बैठेगा। देखो नमे द्वेषोस्ति न प्रियः, और इसीलिए ऐसे साधु संतों के पास जाओ आप तो ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार मेरे से ही हो रहा है, लेकिन उनको असलियत पूछो। किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। समुद्र लहरों की तरफ देख रहा है और पानी में पहुंच जाओ, जब तत्व निष्ठा हो गई, ईशा वास्तविदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां घृतक कस्य सिद्धरम कुर्वन्नेवेह कर्माणि। ये जो डेढ़ श्लोक है इसमें पूरे जीवन में दृष्टि परिवर्तन की परिभाषा आ गई है। ईशावास्य में पहले हमको दृष्टि प्रदान करते हैं। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी कुछ है वह सब का सब परमात्मा से व्याप्त है। इससे क्या होगा? जहां आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया, देखो बिट्स पिलानी में सरस्वती जी का मंदिर बहुत सुंदर है, हर चीज मार्बल की बनी है। तो रोड से जैसे उनके प्रांगण में प्रवेश करो मार्बल लगा है, सीढ़ियां मार्बल की, खम्भे मार्बल के, दीवारें मार्बल की। उस पर हम चल रहे हैं तो उस पर चलते समय मन में भगवान का भाव नहीं आता। उसी मार्बल की सरस्वती की तस्वीर बनी हुई है, जहां उस सरस्वती के मूर्ति को देखते हैं तो तुरंत मन में भगवान का भाव आ जाता है। देखो
ये दृष्टि है। साधु संतों के दृष्टि से कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। यह जो अंतिम अद्वैत दृष्टि है, यही अंतिम परिवर्तन है अपनी दृष्टि में। और ये होगा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्व। जब तक कि हम नित्य निरंतर सत्संग सुने और रोज अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखे, इसके लिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं और आपको गारंटी भी देते हैं कि आप करोगे नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, मेरा टाइम पास हो जाता है। एक बढ़िया कॉपी ले लेना और उस कॉपी का नाम लिख देना, आज मैंने यह सीखा। और रोज एक दिन, जैसे आप आज से शुरू करोगे तो आज मैंने क्या सीखा, एक लाइन लिखना। ऐसा रोज लिखते जाओ, लिखते जाओ। 365 दिनों में आप साक्षात भगवान वेदव्यास हो जाओगे, ज्ञान की पराकाष्ठा। केवल सीखना है अपने अनुभूतियों से, यही दृष्टि में परिवर्तन लाने का एकमात्र उपाय है। दूसरा कोई किसी को नहीं सिखा सकता। हम भले कहे कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण यदि जगत गुरु थे, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, इसको क्यों नहीं सिखा सके। ये तो अपने में बदलने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके संभव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।